सो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि 1972-1971 में एरिया कितना था, 3233, यानी कि जो मैं बार की लेंथ है वो कितनी बनाऊंगी, 3233, यानी कि ये मेरे पास 3000 है, 36 इसके मिड में 33 है, 33 से स्लाइटली बिलो जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बार आ जाएगा तो वो किसका है, 3233, ठीक है। इस लेंथ का मैंने ये बार बना दिया, तो ये किसको शो कर रहा है, एरिया को ये मेरे पास शो कर रहा है। फर्दर जो है वो मेरे पास क्या है, इसी ईयर के अलॉन्ग प्रोडक्शन कितनी है, 2229, इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे करके सम वैल्यू 15 है, 24 यहाँ पे करके मेरे पास सम लेंथ आ जाएगी, विच इज़ क्या थी हमारे पास, 2229। इसी तरह ही मैंने नेक्स्ट बार बना देना है। अब यहाँ पे भी हमने वही रूल फॉलो करना है जो कि हमने सिंपल बार चार्ट में फॉलो किया था, कि वहाँ पे क्या था, हर बार के अंदर जो मेरे पास विड्थ है वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर आपने ये एक बार बनाया, उसके बाद अगर आपने ये एक स्पेसिफिक विड्थ रखी, तो जब नेक्स्ट बार बनाओगे उसके बाद जो उससे नेक्स्ट होगा, तो उसमें भी आपने डिफरेंस जो है, यानी कि स्पेसिंग जो है वो क्या है, सेम रखनी है। और ये जो बार्स हैं, इन बार्स की जो विड्थ है वो भी इक्वल होगी। लाइक अगर आपने ये बार एक विड्थ का बनाया, तो ये और ये और ये सारे उसी विड्थ के बनेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट।